हे गाइस, वेलकम टू मी ट्रैविस। और आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ ये सारी ड्रिंक्स का। तो इनमें से हम देखेंगे कि समर के लिए सबसे अच्छी ड्रिंक आपके लिए कौन सी होगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस, जो पहली ड्रिंक होगी वो मैं ये रिव्यू करूँगा। एक्चुअली में एक ये फ्लेवर्ड मिल्क है, काफ़ी जगह आपको मिलता होगा और ये ऑफकोर्स अलग अलग ब्रांड्स का आता है। तो मेरे पास यहाँ पे वेरका का आई है और ये बटरस्कॉच फ्लेवर है। ये भी एक पैक मिल्क टाइप है और ये भी एक्चुअली सेम फ्लेवर ही मिला, लेकिन ये किसी और ब्रांड का है, वीटा का। तो इन दोनों का आज हम रिव्यू करेंगे। ये जो दो गाइस, ये जो हर्षी और ये केविंस, जो भी नाम है तो मेरे को नहीं पता मैं प्रोनाउंस ही कर रहा हूँ या नहीं, इसका भी रिव्यू करेंगे। इन दोनों का मतलब एक ही से इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे और इन दोनों का भी कंपैरिजन होएगा। और गाइस, जिसको पता है, जिसने हमारा कूलबर्ग की बियर का रिव्यू देखा था, वो उसमें मैंने बोला था कि मैं ये मिस कर चुका था पीच फ्लेवर, तो मेरे को पीच फ्लेवर मिल गया। आज इसका भी रिव्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो पहले मैं इससे करता हूँ, वेरका का जो बटरस्कॉच फ्लेवर है, राइट। तो इसे भी मैं सोच रहा हूँ ग्लास में डाल के दिखा दूँ एक बार पहले। तो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसका फ्लेवर मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब नो डाउट इसका फ्लेवर भी है और मेरे ख्याल से हेल्दी भी है। अगर मैं इसके जो फैक्ट्स हैं वो देखूँ तो गाइस, इसके फैक्ट्स में जो आता है वो है डबल टोन्ड मिल्क, और इसमें नो डाउट काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनेस और आर्टिफिशियल फ्लेवर यूज़ किया गया है। और इसके बाद अभी मैं इसे कंपेयर करूँगा और फिर देखते हैं इन दोनों में से ज़्यादा हेल्दी और आपके लिए बेटर कौन सा होएगा। तो गाइस, अब इसमें देखते हैं, इसके बाहर ही लिखा हुआ है यहाँ पे हाईली न्यूट्रिशियस एंड रिफ्रेशिंग। और इसमें भी देखते हैं, एक्चुअली इसमें भी सेम फ्लेवर है, सेम चीज़ें जो इसमें यूज़ की गई हैं वही डबल टोन मिल्क और एडेड नेचुरल आइडेंटिकल बटरस्कॉच फ्लेवर। तो मेरे ख्याल से सारा आर्टिफिशियल ही होएगा। तो इन दोनों में से मेरे ख्याल से हेल्थ के हिसाब से तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि इनमें से कौन सा ज़्यादा हेल्दी हुआ, बिकॉज दोनों ही एक किस्म से सेम ही है। इसे फिर भी एक बार हम ओपन करके ट्राई करके देखते हैं, टेस्ट कर लेते हैं ये भी कैसा, क्या पता फ्लेवर शायद अच्छा हो या कैसा हो, पता नहीं। तो गाइस, इसे अभी हम ट्राई करते हैं। ये भी गाइस वैसे देखने में बिल्कुल सेम ही लगता है, कंसिस्टेंसी और सब कुछ इसका सेम ही लगता है, फ्लेवर भी बिकॉज सेम है शायद इसलिए। तो इसे ट्राई करते हैं। तो गाइस, फ्लेवर वाइज दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लाइक पता नहीं क्यों मेरे को ये थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेश लग रहा है, अब पता नहीं, बट ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर हैं। अगर आप टेस्ट करोगे आपको ज़्यादा कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगी। दोनों में से आप जोन सा भी ट्राई करना चाहो गाइस कर सकते हो, दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर आते हैं और नो डाउट इनके जो फ्लेवर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आपको एक बार ये दोनों ट्राई करने चाहिए, इनकी शॉप्स आपको कहीं पर भी मिल जाएंगी और आप वहाँ पर जाके एक बार ट्राई कर सकते हो। अब इसके बाद गाइस हम रिव्यू करेंगे इसका। ये एक्चुअल में पेपर रूट नाम से एक कंपनी है, ये एक चीज़ होती है, ड्रिंक होती है जिसका नाम होता है ठंडाई। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मिक्स होती हैं। इडली डाइज काफ़ी ज़्यादा ओल्ड ड्रिंक है, काफ़ी टाइम से बन रही है। और अगर मैं इसके जो इंग्रेडिएंट्स उसमें पढ़ूँ तो इसमें पेस्चराइज डबल टोन मिल्क जैसे इन दोनों में था, लेकिन इसमें क्वांटिटी लिखी है 85%, शुगर मिल्क सॉलिड, आलमंड 1.3%, मेलन सीड्स 0.5% एंड फेनल पाउडर, कार्डमन पाउडर, खसखस एंड पेपर ब्लैक पाउडर। तो जैसे मैंने पहले कभी ट्राई नहीं की, तो मैं थोड़ा सा यहाँ सा क्यूरियस हूँ कि इसका टेस्ट कैसा होगा, तो इसे भी एक बार आप ट्राई करते हैं। राइट, इसी ग्लास में ट्राई कर लेते हैं। तो गाइस, देखने में ये भी बिल्कुल जैसे ये दो ड्रिंक्स थी बटर स्कॉच वाली, बिल्कुल वैसे ही सेम इसका टेक्सचर है, बट फ्लेवर करके देखते हैं कि कैसा है। तो गाइस, इसमें एक्चुअल में जो लिखा है वो आपको फील होता है, इसमें मेलन सीड्स आते हैं, आलमंड्स आपके आप टेस्ट कर सकते हो। तो सिर्फ ये आपको ड्रिंक नहीं, आपको कई चीज़ें च्यू भी करनी पड़ती हैं। ऑल दो, अगर मैं फ्लेवर की बात करूँ, फ्लेवर मेरे को ठीक ठाक लगा। एक, अगर आपने पहले कभी ठंडाई पी है तो अगर आपको अच्छी भी लगती है तो उस हिसाब से आपको शायद बहुत बहुत अच्छी लगे। क्वालिटी इसकी नो डाउट बहुत अच्छी है, मेरे को क्वालिटी के हिसाब से चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। पेपर बोर्ड के मैंने और भी प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं और काफ़ी अच्छे निकलते हैं वो प्रोडक्ट्स, तो क्वालिटी वाइज तो कहते हैं काफ़ी अच्छा है। टेस्ट आपके ऊपर डिपेंड करेगा, कई लोगों को अच्छा लगता है, कई लोगों को नहीं अच्छा लगता, मेरे को पर्सनली अच्छा लगा। तो एक बार आप ये ट्राई कर सकते हो और मेरे ख्याल से शायद इन दोनों से हेल्दी भी है, बिकॉज इसके अंदर आलमंड्स एक्चुअल में आते हैं और जो सीड्स इन्होंने लिखे हैं वो सीड भी आपके आप टेस्ट कर सकते हो और हेल्थ वाइज भी काफ़ी आपके लिए अच्छे रहेंगे। अब कहते हमारे पास रह गई हैं तीन ड्रिंक्स, ऑफकोर्स इसे तो आप हेल्दी में ना लेना, ये फ्लेवर वाइज ही है। इन दोनों में से भी हम देखेंगे
सबसे ज़्यादा हेल्दी कौन से ड्रिंक है। तो इन्हें मैं क्या करूँगा, पहले ग्लास में, दो ग्लास में पोर करके रख दूँगा पहले से, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, और उसके बाद हम देखेंगे फ्लेवर वाइज और वैसे भी न्यूट्रिशनल वैल्यू में कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी है। ऑलराइट गाइस, तो ये दोनों हैं। तो ये जो क्रीम कलर टाइप है, ये हर्शीज़ का आलमंड मिल्क शेक है, और जो मेरे साथ राइट हैंड में है, ये है केविंस स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। तो गाइस, इन दोनों के अगर आप सिर्फ अगर टेक्सचर ही देखो ना, तो आपको पता चलेगा कि केविंस का ये जो मिल्क शेक है स्ट्रॉबेरी वाला कितना ज़्यादा थिक है, जबकि हर्शीज़ वाला काफ़ी ज़्यादा लाइट है। तो आप दोनों को टेस्ट करके देखते हैं कैसे हैं। इसका गाइस पर्सनली मेरे को फ्लेवर ओके लगा, मैं ये नहीं कुछ कहूँगा कि कुछ ज़्यादा अच्छा खास है। अगर मेरे को इसका फ्लेवर कंपेयर करना हो इन तीनों से, जब भी तक जितनी भी ड्रिंक्स रिव्यू की हैं, तो उन सब का कंपेरेटिवली मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब इसका ठीक है, ओके, बुरा नहीं है, लेकिन मैं मतलब प्रेफर नहीं करूँगा रोज़। लेकिन एक बार इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी देख लेते हैं। तो इसमें गाइस मैं जैसा लिखा है, इसमें 5 एसेंशियल विटामिंस हैं, A, B1, B2, D, E एंड 40% मोर कैल्शियम देन काउज मिल्क। देन प्रोटीन हमें आपको मिल जाता है 3.6 ग्राम ml की सर्विंग पे, और मेरे को नहीं पता है सर्विंग इसकी कितनी है, 180 ml है। तो इसमें 3.6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, बाकी कार्ब्स शुगर भी है काफ़ी ज़्यादा इसमें, 21.24 ग्राम्स। और बस ये लिखा है इसमें, वाटर शुगर मिल्क सॉलिड एमल्सीफायर्स मिल्क सॉलिड्स 8% लिखे हैं। तो खास इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है नहीं, क्योंकि इसमें शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अब मैं ट्राई करता हूँ ये केविंस का मिल्क शेक। ये गाइस, अगर मैं इसे बोलूँ, अब मेरे को ये सबसे अच्छा लग रहा है इन सब में से। अब एक बार इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देख लेता हूँ। इतना ज़्यादा गाइस थिक और इसका रिच फ्लेवर है। अगर आप एक बार इसका फ्लेवर टेस्ट करोगे ना, आप लिटरली एडिक्ट हो जाओगे, ऐसी फील आ रही है। चलो ठीक है, इसकी जो 89% मिल्क नो एडेड वाटर, अभी तक मेरे ख्याल से सबसे हेल्दी चीज़ यही आई है यहाँ पे। इंस्टेंट एनर्जी, विटामिन डी, कैल्शियम सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग बोन्स, जिंक, नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स। तो गाइस मेरे ख्याल से अगर इन सब में से देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा हेल्दी तो अभी ये मिल्क शेक ही लग रहा है मेरे को। देख लो ध्यान से, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। ओवरऑल अगर इन सब में बात की जाए, कंपेयर किया जाए, तो सबसे अच्छा फ्लेवर इसका ही है, और सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इसमें है सरप्राइजिंगली, जो कि होता नहीं है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो गाइस अब लास्टली मैं इसे रिव्यू करता हूँ, कूलवर्क क्या फ्लेवर है इसका, पीच। तो मैंने पिछले टाइम देखा था, और गाइस अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो गाइस मैं एक सप्लीमेंट के ऊपर बनाने वाला हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो आप वो भी देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। मेरे को रिव्यू, मेरे को काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि मैं उसका रिव्यू करूँ, प्री वर्कआउट का, जो मसल ब्लेस का प्री वर्कआउट है, तो उसके ऊपर ही गाइस मैं वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको प्री वर्कआउट से सप्लीमेंट्स की वीडियो अच्छी लगती है और ड्रिंक्स की रिव्यू अच्छे लगते हैं, तो आप ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं काफ़ी ज़्यादा बाइक से रिलेटेड भी वीडियोज़ बनाता हूँ। वैसे तो गाइस मेरा पर्सनली इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल वीडियोस का है, लेकिन आपको पता है ये कोविड की सिचुएशन है, तो ज़्यादा बाहर जा नहीं सकते। और चीयर्स, अभी इसका मैं रिव्यू करता हूँ, हाई ऑन पीच। एज यूजुअल गाइस, सारी कूल वर्क की जितनी भी ड्रिंक्स थी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। ये मेरे ख्याल से अगर मेरे को सोचना हो कि क्रैनबेरी और पीच में से कौन सा ज़्यादा अच्छा फ्लेवर है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होएगा, बट नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर है इसका। न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको पता है नॉन अल्कोहलिक बियर की कितनी अच्छी होती है, तो उसमें तो कुछ मैं अभी कंपेयर करूँगा नहीं से। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी सी शायद ये वीडियो लंबी बन गई होगी, बट काफ़ी सारी चीज़ें रिव्यू की तो थोड़ा सा टाइम लग गया। तो गाइस ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ देना। टिल देन गाइस, राइट सेफ, टेक केयर एंड बाय।